हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हमारे पास ये एक फ़ैन रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है, जिसमें फॉल्ट ये बन रहा है कि इसका स्पीड तो सही है मगर ये हवा नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले हम इसको एसी सप्लाई देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे ये देखो, हमारा स्पीड सही बन रहा है। ये देखो साइड में आपको एम्पियर मीटर में दिख रहा होगा, 4.4 एम्पियर ले रहा है, जो कि ये सही है। तो यहाँ पे हमारा ये देखो पॉलीथीन रखते हैं तो ये हवा नहीं आ रहा है। स्पीड सही हो रहा है मगर हवा नहीं आ रहा है, तो ऐसा फॉल्ट आपके साथ भी बन सकता है। तो यहाँ पे एक बार ये हम फिर से इसको ऑफ करके भी दिखाएंगे। देखो हमने इसको बंद कर दिया है। हम फिर से इसको स्टार्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा हवा देगा मगर बाद में ये हवा बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इसमें ऐसा क्या फॉल्ट बना किए? ये देखो हमने पॉलीथीन लगा दिया, ये स्विच ऑन किया, ये देखो हवा आ रहा है मगर ये थोड़ी सी हवा आएगी फिर बाद में ये हवा नहीं आएगी। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तो ये हम इसको खोल के दिखाएंगे आपको कि आपके साथ भी ये फॉल्ट हो सकता है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दिया करो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको खोल लिया है, इसका ब्लेड भी बाहर निकाल लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि इसमें आपको क्या क्या करना है। तो हमने बाहर निकाल लिया। सबसे पहले इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। ये देखो हमारा मोटर तो फ्री घूम रहा है। सबसे पहले इसको हमने क्लीन कर लिया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे लगा के टेस्टिंग करेंगे कि हमारा सही हो जाता है, और नहीं हो रहा है तो भी इसमें क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर हमने इसको फिटिंग कर लिया है। अब हम इसको टेस्टिंग करेंगे कि हवा दे रहा है या नहीं दे रहा है, या कुछ और भी फॉल्ट बन रहा है। हमने फिटिंग कर लिया है, हम इसमें पॉलीथीन लगा लेते हैं, फिर इसको टेस्टिंग करेंगे कि हमारा सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम एसी सप्लाई देते हैं यहाँ पे। ये हमने स्टार्ट किया तो ये देखो हमारा हवा आने लगा है। तो ये हमारा इसमें बैलेंस बिगड़ने की वजह से भी हो रहा है। ये देखो अभी भी आपको साइड में 0.4 एम्पियर ही दिख रहा होगा। ये स्पीड भी सही है, ये हवा भी आ रहा है। ये देखो ने बंद किया, अब हम फिर से भी स्टार्टिंग करेंगे तो भी ये हवा आएगा। कभी कभी क्या है कि इसमें बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से ये हवा हमारा नहीं आ जाता, आ सकता है, इसके नाम से ये होता है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। ऐसे नई नई जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। और इसके ये क्लीन करने के बावजूद भी आपके साथ आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको इसमें ये नया ब्लेड नया डालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया होगा तो ये हमारा क्लीन करने से भी ये नहीं होगा सही। आपको ये प्रॉब्लम क्लीन करने से नहीं सही होता है तो ये ब्लेड चेंज करना पड़ेगा। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।